सुमित, इस वक्त मध्य प्रदेश से खबर ये आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी बैठक वहां शुरू कर दी है अपने लोगों के साथ, और कांग्रेस के खेमे में भी बैठकों का दौर जारी है। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, जाहिर सी बात है क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत तो छोड़िए, आगे पीछे का खेल ही खत्म नहीं हो रहा है दोनों में। बीजेपी अब भी 109, कांग्रेस 108, तो अंदर खाने ये जो बैठकें चल रही है इसी बात को लेकर चले कौन बनाएगा सरकार, क्योंकि सबकी नजर 13 अन्य पर। बिल्कुल अनुराग, ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक एक रन बन रहे हैं, वो लोग ताली बजा रहे हैं। हम भोपाल के ऑफिस में हैं, यहाँ पर ऊपर का जो तीसरी फ्लोर मंजिल है वहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सिंधिया, विवेक तनखा सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं और इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आगे क्या हालात बन रहे हैं। इसके अलावा हम यदि मुख्यमंत्री निवास की बात करें तो वहाँ भी शिवराज सिंह चौहान और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, प्रभात झा, ये सारे लोग बैठक करके ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे क्या हालत बन रही है और जो हालत बन रहे हैं उनके लिए हम क्या तैयारी की जाए। तो कुल मिला के हालत बहुत नाजुक है दोनों दलों की, और दोनों दलों के नेता कैसे आने वाली परिस्थिति से निपटे इसको लेके बैठक में लगे हुए हैं, और फिलहाल दोनों दलों के नेताओं ने मीडिया के लोगों से बात करने से एकदम मना ही कर रखी है, और स्वाभाविक ही है क्योंकि अभी हालत स्टेबल नहीं हो रहे हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम 5 और 6 बजे तक ही कुछ बात करने की हालत में होगी। लेकिन दोनों दलों के नेता संभावित स्थिति क्या बनने जा रही है इसको लेकर बैठक जारी है, इसको लेकर बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की लगातार बैठक जारी है। अभी आंकड़ा आप देखिए, 110 बीजेपी और 107 कांग्रेस, 13 अन्य के खाते में। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।